Assalamualaikum alaikum to all my dear students. i'm your science teacher. hope you all fine. so welcome to level 1 new oxford primary science 3rd edition. today we learn part 1 ourselves. unit 1, the human body in Sanka, जिसम तो फर्स्ट लाइन है हमारी वैन यू लोक इन द मिरर जब आप मिरर में देखते हैं जब आप शीशे में देखते हैं यू सी यूर बॉडी तब क्या होता है आपको अपनी बॉडी नज़र आती है यूअर बॉडी इज़ अप ऑफ मनी पार्ट्स आपका जिसम बहुत सारे हिस्सों पर मुश्तमिल होता है या आपके जिसम के बहुत सारे पार्ट्स हिस्से होते हैं ईच पार्ट ऑफ योर बॉडी हैज़ अ नेम आपके बॉडी के जो भी पार्ट्स हैं हर पार्ट का अपना अपना नेम होता है तो बच्चों पेज नंबर टू पर पेज नंबर टू पर ये पिक्स दिखाई गई हैं आपको ये फ्रंट पिक हमारी बॉडी की और ये बैक पिक हमारी बॉडी की दोनों पिक्स जो हैं आपको पेज नंबर टू में दिखाई गई हैं तो बच्चों ये फ्रंट पिक में आपको ये जो बॉडी दिखाई गई है उसमें हमें ये पार्ट्स दिखाए गए हैं और हर पार्ट का नेम लिखकर उन्होंने शो करवाया है फर्स्ट पार्ट हमारा जो दिया है उन्होंने एयर हमारे कान आइज हमारी आँखें नोज नाक चीक्स चिन माउथ चेस्ट आर्म्स ये दोनों साइड हमारी आर्म्स हैं स्टमक थम दोनों साइड हैंड्स में हमारे थम हैं और फिंगर्स दोनों साइड ये फिंगर्स हैं और ये है नी उसके बाद ये है हमारा बैक साइड बॉडी का जो फर्स्ट है हमें जो पार्ट दिखाया गया है वो है हेड जिसमें हेयर्स होते हैं नेक शोल्डर एल्बो बैक हैंड लेग एंड फुट लेग जिससे फुट जिससे हम चलते हैं हैंड से जो हम काम करते हैं शोल्डर्स हमारी नेक हमारी हेयर्स ये सब क्या है ये हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं सो so, आप आ जाएं पेज नंबर थ्री पर पेज नंबर थ्री पर हमें ये एक्सरसाइज करते हुए बच्चे दिखाई दे रहे हैं डिफरेंट काम करते हुए क्या है फर्स्ट लाइन है ईच पार्ट जॉब टू डू हमारे जिस्म के हर हिस्से को अपना काम दिया गया है जो वो अपने काम सर अंजाम देता है फर्स्ट पिक में क्या है वी यूज़ अवर माउथ टू ईट एंड स्पीक हमारा माउथ जो हमारी बॉडी का पार्ट है हम उसे कैसे यूज़ करते हैं हम यूज़ करते हैं अपने माउथ को खाने के लिए ईट करने के लिए और स्पीक और बात करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं नंबर सेकंड है We use hands to hold things. हम अपने हाथ इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को पकड़ने के लिए जैसे कि हम पेंसिल पकड़ते हैं अपने हाथ से लिखने के लिए खाने के लिए कोई चीज़ होती है तो हम अपने हाथ से पकड़ते हैं हमारे हाथ का कम करते हैं चीज़ों को पकड़ने में हमारी मदद करते हैं थर्ड वन इज़ we यूज़ आवर फीट टू रन वॉक और मूव हम अपने पाँव कब यूज़ करते हैं किन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं रन दौड़ने के लिए वॉक चलने के लिए और मूव और मूव करने के लिए हम अपने पाँव यूज़ करते हैं हमें कहीं भी जाना होता है हम स्कूल जाते हैं आते हैं कहीं भी हमें जाना होता है तो हम कैसे चलते हैं अपनी पाँव की मदद से चलते हैं हमें दौड़ना होता है हमें रेसिंग करनी होती है हमें वॉक करना होता है तो ये सब किससे होता है ये सब हमारे फीट की मदद से होता है सेकेंड टॉपिक हमारा है वी ऑल वी आर आर ह्यूमन बींग्स हम सब इंसान ज़ात हैं हम सब ह्यूमन्स हैं बॉयज गर्ल्स मैन वुमेन एंड बेबीज ऑल आर ह्यूमन बींग्स लड़के लड़कियाँ म दौरद छोटे बच्चे बूढ़े जो भी हैं वो सब इंसान हैं आवर बॉडीज़ वर्क इन द सेम वे बट वी ऑल लुक डिफरेंट हर इंसान का जिसम हर इंसान का जिसम हर सेम होता है बट हम एक दूसरे से डिफरेंट नज़र आते हैं मुख्तलफ़ नज़र आते हैं हमारे चेहरे एक दूसरे से मुख्तलिफ़ होते हैं हमारी साइज़ हमारे कद एक दूसरे से मुख्तलिफ़ होते हैं बट हमारी बॉडी जो है हम सब की बॉडी जो है एक ही तरीके से वर्क करती है काम करती है ये जो पिक्स आपको दिखाई गई हैं बताने के लिए समझाने के लिए लड़का हो छोटा बच्चा हो कोई बूढ़ी औरत हो जैसे आपकी दादी हो नानी हो कोई छोटा भाई बहन हो मम्मी पापा हो जो भी हैं ये सब क्या हैं ये सब ह्यूमन बींग्स हैं ठीक है बच्चों तो ये कॉन्सेप्ट चेक में आपको दिया गया है टॉक अबाउट द पीपल इन द पिक्चर इस तस्वीर को देखकर इसके बारे में आप बातें करें अपनी अम्मी से बहन से किसी से भी राइट हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर और लिखें कि ये एक दूसरे से कैसे मुख्तलफ है जैसे इसका कद छोटा है ये बच्चा है इसका कद बड़ा है ये बूढ़ी है ये इसका रंग काला है इसका रंग सफ़ेद है डिफरेंट डिफरेंट जो चीज़ें इसके बाल बड़े हैं इसके बाल छोटे हैं जो भी चीज़ें हैं वो आप नोट आउट करके अपनी कॉपी में फाइव लाइन्स लिख कर मुझे सेंड कर दें ठीक है बच्चों तो आज के लिए आपका यही काम काफ़ी है जो चीज़ आपको समझ में ना आए आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं या फिर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं थैंक यू अल्लाह हाफिज़